खबर का सिया कुशीनगर से है, जहां निरंकारी इंटर कॉलेज में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। आयोजित गोष्ठी कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राइज एंड एक्ट के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व शांति सद्भावना मंच के प्रदेश समन्वयक रामकिशोर चौहान ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारत रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वंचित समुदाय दलितों पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने समता मूलक समाज निर्माण के लिए आजीवन संघर्ष किया। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार चौरसिया ने कहा, अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर ही सामाजिक न्याय की बात की जा सकती है। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद असलम अंसारी ने कहा, भीमराव अम्बेडकर की छाप आधुनिक भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली है। उन्होंने अत्यंत अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों के लिए न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भरा। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का, समाज के समग्र विकास में बराबर की भागीदारी का और समाज के नेतृत्व का रास्ता दिखाया। हमारे पूरे देश को उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए उनका आभारी होना चाहिए। संविधान के मूल्यों, समता बंधुआ की अवधारणा को मजबूत करने से ही धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा होगी। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र त्रिपाठी ने किया। इस दौरान मनोज कुमार चौरसिया, रघुनंदन मंगेशिया, ज्योति गुप्ता, आदित्य पाठक, विशाल चौहान व स्कूल के छात्र व कर्मचारी उपस्थित रहे। और हमारे बीच में श्री राम किशोर चौहान जी, जो इस सभागार के प्रतिनिधि हैं, हमारे बीच में सगी रवि जी हैं और हर समय बीच बीच में कार्यक्रम विद्यालय को आप देखते आते हैं, देखते रहे हैं। सम्मानित मोहम्मद असलम जी, जो इस संस्था के जनरल ट्रेनर हैं, और आप कई पत्रकारिता भी, विशाल चौहान जी और ज्योति मैडम जी, इरफान अंसारी जी और सभी छात्र छात्राएं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और उनका क्वालिफिकेशन और कितने भाषा उन्होंने बोला, कितने भाषाओं की जानकारी थी और कितनी डिग्रियां हासिल किए, ये सभी वक्ता जो हमारे पूर्व वक्ता सभी लोगों ने बताया, निश्चित रूप से आपका गहरा प्रभाव पड़ेगा। और गहरा प्रभाव के साथ साथ मेरे बच्चे, जब संविधान नहीं था तो विधान था, विधान और संविधान में अंतर होता है बच्चे। जब हमारे देश में 50 में जब संविधान लागू हुआ, उसके पहले विधान था, छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ियों में बटा हुआ था, लोग अपने अपने तरीके से, अपने नियम कानून से वो देश को, इस देश को छोटे छोटे जगहों पर चलाते थे, उनको विधान कहा जाता था। और संविधान का मतलब ये हुआ कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो सर्टिफिकेट पा रहे हैं, तो सर्टिफिकेट में लिख रहा है कि पिछड़ी जाति का, सामान्य जाति का आपकी आय इतनी है। पहले ऐसा नहीं था। आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं इसी संविधान के तहत। अभी आपने कहा कि कई देशों का सम्मिलित करके, कई देशों को एक एक करके सींच करके